विधानसभा क्षेत्र का एक गांव और उस गांव में प्रवेश के साथ में ही दिखता है ये बड़ा बोर का पेड़। और तोकनाथ जी महाराज जो कुछ ही दिनों पहले गोगुंदा के चौगान में आए थे और इन्होंने कहा था भाजपा प्रत्याशी को वोट देकर जिताना है और ये गांव है नांदेशमा, यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्र है। संतोषनाथ जी ने भले ही कहा हो कि भाजपा को वोट देना है और भाजपा प्रत्याशी समिति को चुनाव जिताना है, लेकिन इसी गांव में भाजपा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, यहाँ के युवा जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इन सब लोगों की बात हम आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर ये लोग गांव के इस चौरे पर परशुराम चौक में क्यों यहां पर एकत्र हुए हैं। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। डेली राजस्थान की चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम गुरु पुष्कर की जो जन्मस्थली है नांदेशमा यहां आए हैं। गुरु पुष्कर को नमन करते हुए सत्य पथ पर सच्ची बात बताने के लिए हम निकले हैं और नांदेशमा में आते ही यहाँ इस चौरे पर हमें मिले हैं बहुत सारे लोग, ये क्या कुछ कह रहे हैं बात करेंगे इनसे। नमस्कार, नहीं बोलेंगे आप? बोल के। अच्छा, ये मौनी है। ओके जी जी, अच्छा सबसे ठीक है। ये कैलाश जी युवा, अब देखिए मैं देख रहा हूँ ये बेर का पेड़ है ना, बेर के पेड़ बहुत पुराना पेड़ है माता जी का, और यहीं पर संतोष नाथ जी महाराज की ये तस्वीर लगी है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी गोगुंदा के चौगान में ये कह के गए थे कि प्रताप गमेती को वोट देना है, उनको विधानसभा में भेजना है, भेजेंगे। बिल्कुल, प्रताप जी का कोई विरोध नहीं है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। एक्चुअली उन्होंने क्या जो घोषणा कर रखी है वो हमारे काम पूरे नहीं हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो हमारे काम पूरे करे, जो भी नेता है ऊपर के वो यहाँ आए हमसे बात करे, जब काम होता है तब हमारे को बुलाते हैं। हम दौड़ भाग करके पार्टी के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सारे लड़के युवा हमारे साथ लगते हैं। किसी की दुश्मनी भी होती है, कोई लड़े झगड़े भी होते हैं, मतभेद भी होता है सबसे, लेकिन जब काम की बात आती है तब हमसे दूरी बना लेते हैं। हमारे क्या 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 काम ऐसे है जो उन्होंने बोले यहाँ के लिए और नहीं किए? बहुत सारे काम ऐसे है जो उन्होंने किए हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं किए। जैसे सबसे पहला काम, ब्राह्मणों की बगल में नौरे की बाउंड्री वॉल है, जो पिछले 10 साल से एक ही घोषणा करते आ रहे हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। पिछले एक महीने में, एक महीने पहले उन्होंने सैंक्शन दिए हमारे को, अब एक महीने में आचार संहिता लगने वाली, अगर हम काम भी करें तो 10 लाख रुपए हमारे जेब से लग जाएंगे, 5 लाख रुपए हमारी भरपाई कौन करेगा? अगर सरकार बदल जाती है, नहीं जीतते हैं, तो वो 5 लाख रुपए क्या हम भरेंगे? ये झुंझुना पकड़ाया गया है कि 7 लाख रुपए की नौरे की सैंक्शन दी है। सैंक्शन बिल्कुल है, मेरे मोबाइल में पड़ी है, लेकिन आचार संहिता के टाइम पे दी गई है, इसलिए वो सैंक्शन अभी फिलहाल कोई काम की नहीं है, आगे जब होगा तब देखा जाएगा। और बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे सुतारों के मोहल्ले में सामुदायिक भवन की घोषणा हुई है, वो अभी तक नहीं हुआ। बासलिया के अंदर सामुदायिक भवन की घोषणा हुई है, वो नहीं हुआ। भीमजी का गुड़ा में हुई है, वो नहीं हुआ। वो सारे प्रताप जी की जो लेटर पेड है वो अभी भी मेरे पास पड़ी है, मेरे घर पे पड़ी है। पहले लेटर पेड सबके सामने, लोगों के सामने बोल दिया, ये कैलाश जी आपके पास रखो, जिला परिषद जमा करवा के आप सैंक्शन निकलवा लेना, टीएस बनवा लेना, और जैसे ही पहुंचे गोगुंदा ने फोन आया कैलाश जी उसको रोक देना, अभी नहीं करना। तो इस तरह से अगर लोगों को अपन पागल बनाएंगे तो हम लोगों के बीच में कैसे जाए वोट मांगने के लिए? तो अब एक तो है कि जो काम नहीं हुए हैं उनकी बात आप कर रहे हैं कि एमएलए ने लॉलीपॉप दी, कहा कि काम करवाएंगे लेकिन काम करवाए नहीं है, एक तो ये बात है, और दूसरी बात कुछ और भी है कि पूछा नहीं जा रहा है। उसका ये कारण है, जैसे काम हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर 50 लाख रुपए एमएलए साहब द्वारा दिए गए, तो वो हमारे गांव के काम में लगे, एमएलए साहब ने दिए, इससे पहले किसी दूसरे नेता ने नहीं दिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात ये है 50 लाख रुपए जो दिए, जैसे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं हूँ, जैसे 2-4 भाई और हैं, हम भी ठेकेदारी का काम करते हैं, गृहस्थी हमारी भी है, परिवार हमारा भी है, तो हमें भी परिवार चलाना पड़ता है, पार्टी का काम करके परिवार नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है पार्टी के साथ काम करने का, दिन रात लगे रहते हैं, तो हमारा धंधा है वो है ठेकेदारी। तो जब 50 लाख रुपए का हॉस्पिटल के अंदर काम हुआ, वो सारे कांग्रेस के बंदों को दिया गया, काम दिया गया 20 लाख रुपए का डॉक्टर का,
जो क्वार्टर बनाने के लिए, मैंने छत लेवल तक ले जाया गया। पहले बोला 20% कमीशन, फिर बोला 30% कमीशन, फिर बोला 35% कमीशन। अब सचिवों से परेशान हो गए, हमने एमएलए साहब को फोन किया कि भाई पहले 20% की बात थी सचिव से, फिर 30 हुआ, फिर 35 हुआ, अब 40 पे मांग रहे। अब ये 40% इनको दे, हम काम कैसे करें? वो काम मैंने अधूरा छोड़ा। कौन लेते हैं 40%? बिल्कुल सचिव लेते हैं, बोलते हैं हमें सब जगह देना पड़ता है, सरपंच को देना पड़ता है, बीडीओ को देना पड़ता है, प्रधान को देना पड़ता है, जयन आईएन सबका नाम गिनवाते हैं वो तो। और 40% अगर देंगे तो हम क्या कमाएंगे, काम कहां से करेंगे, और 2,50,000 रुपए का नुकसान खा के मैं बैठा हूं। प्रताप जी को फोन किया, सचिव इस तरह की बात कर रहा है, या तो उसको हटाओ या हमारा नुकसान भरो। बोले मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बोले हम क्या कर सकते हैं, हमें तो जनता के बीच में जाना है, इनसे वोट मांगने कैसे मांगे बताओ आप। लोग तो बोलेंगे हमारे जो काम है वो करवाओ, काम ही नहीं हो रहा है हम क्या करें। और इससे पहले जो सरकार थी उसने भी नहीं करवाया, मांगीलाल जी ने नहीं करवाया तभी वो हारे, और प्रताप जी अगर ऐसा करेंगे तो ये जनता है सब जानती है। पर अल्टीमेटली अब करने क्या वाले हैं, काम तो कहा था कि करेंगे, नहीं किए, अब आप क्या करेंगे? फिर भी मोदी को देखते हुए हम बीजेपी को वोट देंगे। वोट तो हम भी बीजेपी को ही देंगे, समर्थन हम बीजेपी का ही करेंगे। गांव का काम होना मांगता है, यहाँ काम होना मांगता है। हाँ हमारे जी अभी तो हाँ करेंगे, फिर 5 साल बाद में वापिस आएंगे जी। हमारी कुछ मांगे हैं, लेकिन पार्टी दोनों बस, ना तो मांगीलाल ने कराया, ना प्रताप जी ने करवाया, किसी ने काम नहीं करवाया। और हमारा आड़ी सड़क ये रोड देख लो, ठोट रोड तक एक भी काम बताया, आप भी खड्डे के अंदर गिरोगे जागोगे तो। हमारा कहना काम कराओ, हम जो आप समर्थन करेंगे आपको जिताएंगे, बस हमारा ये कहना काम कराओ और जनता के बीच में आओ। आपने पहले भी इसी तरीके से समर्थन किया था, आज भी कर रहे हैं, अब क्या? लेकिन काम करवाओ, हम समर्थन करेंगे, बाकी हारेंगे जी। बिल्कुल समर्थन की बात ऐसा है, हम कोई यहाँ पार्टी छोड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हो। किसी के मन में गलतफहमी है कि भाई ये पार्टी छोड़ रहे हैं, किस तरह की बात है, हम किसी तरह का पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन शर्त है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, जो हमारे काम है हम 10 तारीख तक का टाइम देते हैं। हमारे बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन सबको 10 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। 10 तारीख तक अगर हमसे आके मिलते हैं, बात करते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई, हमारी बात को नहीं माना गया, तो मुद्दे की बात ये है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं। दर्द ये है, बिल्कुल दर्द है, हमको नहीं पूछ रहे हैं जो भी हमारा काम है, क्योंकि हम जनता के बीच में पहले रह चुके हैं। जनता से वोट मांगना, नेता आता है, हाथ जोड़ता है, निकल जाता है, वोट हमारे को लाना पड़ता है, एक एक वोट घर से उठाना पड़ता है, जैसे कि पुराने लोगों की सेवा करते वैसे उठा के तोक तोक के गाड़ी में लाके वोट डलवाने पड़ते हैं। नेता लोग नहीं डलवाते, हम कार्यकर्ता डलवाते हैं। नेता हमारे से, हम नेताओं से नहीं है, तो उनको हमारे पास आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, हमारी तकलीफ भी देखनी पड़ेगी। हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर 10 तारीख तक का टाइम है मानते तो ठीक, नहीं तो हम स्वतंत्र हैं, हमारा जहां सम्मान होगा वहां हम जाएंगे। अगर हमारा सम्मान नहीं करेंगे, हमसे नहीं पूछेंगे, हमारी बातें नहीं मानी गई, अगर गांव के हित में फैसला नहीं हुआ, गांव के हित का काम नहीं हुआ, तो फिर वो नेता जाने और वो जाने। आप सहमत हैं जो कैलाश जी बात कह रहे हैं? हाँ, सहमत है ना। हम कैलाश जी की बात से सहमत हैं कि अगर आपकी बात मानी गई तो ठीक, अन्यथा आप कदम उठाएंगे। कदम उठाना भी जरूरी है। नेता किसी के सगे नहीं है, कभी इधर टूट रहे, कभी इधर उड़ जाते हैं। इसलिए हमारा एक हमारा गांव का विकास चाहिए। इसलिए गांव के सब लोग आप एक बार साथ है। बिल्कुल, तो किसी नेता से कोई प्रेम नहीं है, हमें हमारे गांव से प्रेम है, हमारे गांव के लोगों से प्रेम है। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष का पद है, अगर वो पद मेरी जनता के भलाई के काम अगर नहीं आता है, मेरी जनता के विकास में अगर काम अगर वो मेरा पद नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसे पद की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल का कल मेरा पद त्यागने के लिए तैयार हूँ, मुझे ऐसे पद की आवश्यकता नहीं। आज यहाँ जो तमाम लोग एकत्र हुए हैं, ये आपके भाजपा से जुड़े हुए, युवा मोर्चा से जुड़े, बिल्कुल युवा मोर्चा से जुड़े सारी मेरी टीम। ये एक अद्भुत बात है कि यहाँ जो तमाम लोग है, कुछ ग्रामीण है, बाकी ज्यादातर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, और इनका इस तरीके से रुख है कि हमें पूछा नहीं जा रहा है, हमारे काम नहीं किए जा रहे, अगर यही रवैया रहा तो हम अपना निर्णय लेंगे। जैसे ऐसा है, कोई होटल होती है, आपने भी देखा होगा, आप होटल में खाना खाने जाते हो, तो कोई होटल के अंदर शेफ है, वो किचन के अंदर खाना बना रहा है, बाहर जो वेटर होता है वो सर्व करता होता है। आप एज ए कस्टमर जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, खाना खाने के बाद बहुत अच्छा खाना बना, टिप किसको देते हो आप? वेटर को, जबकि खाना किसने बनाया है? शेफ ने। काम हम करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम चापलूस बोल सकते हैं, वो जाके बोलते हैं कि इनकी तो दुकान में सामान नहीं है। हाँ भैया, नहीं है सामान, आ जाना इलेक्शन में, दिखा देंगे सामान है कि नहीं है। आप आ जाना 10 तारीख तक हमारे पास, कितना सामान है बता देंगे, और नहीं आना है तो फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी। हम तो विकास की बात करेंगे, बाकी हमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं करना है, किसी पार्टी से हमें कोई द्वेषता नहीं है, ना प्रताप जी से है, ना बीजेपी से है, ना किसी कांग्रेस वालों से। हमें तो हमारे गांव का विकास चाहिए, और जो हमारे गांव का विकास करेगा हम उनके साथ हैं। विकास में अब जरूरतें क्या क्या है बताएं आप।
आप अभी जैसे आप आए होंगे जसवंतगढ़ से नांदेसमा, तो आपने रोड की स्थिति देखी होगी, इतने इतने खड्डे हैं। प्रताप जी को बोला तो वो भी बोल रहे हैं हमने लिखित में दे दिया आगे, सरकार इनको पैसा नहीं दे रही है तो ये काम नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है जसवंतगढ़ से लेकर नांदेसमा तक ये रोड, बहुत समस्या हो रही है, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, किसी की जान भी जा सकती है, उसकी जिम्मेदार सारे नेता ही है। हम तो होने से रहे, हम तो काम करवाने से, काम नेताओं को करवाना है और जिसको भी वोट चाहिए ये अर्जेंट में काम करवा देना, एक बार कोई ट्रैक्टर लाके भी मिट्टी डलवा देना ताकि एक बार कोई हादसा नहीं हो, ये काम तो आप कर आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रीट लाइट रोड लाइट नहीं है नांदेसमा गाँव के अंदर, गाँव में है, ब्राह्मणों के बागल में नहीं है, कर्चावास में नहीं है, शोभावास में नहीं है, कांग्रेस से लगा के बीजेपी तक मैं दोनों पार्टी का कहता हूँ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और फिर बाद में अंधेरा में गए तो उधर हिलाएंगे ऐसे पकड़ के, क्या भाई अंधेरा कैसे। नेताओं जब आप वोट लेने आ रहे हैं तो लाइट साथ में लाइएगा, अब की बार जनता जो है जकझोरने वाली है। हाँ, आपके आप बताएंगे आप कैसे आए आज यहाँ। जी केपी भाई हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे गांव के विकास के लिए काम करवाने के लिए आगे बोल रहे हैं, तो हमें इधर केपी भाई जो कहते हैं उधर वो होता है, मतलब सब सब हमारे विकास के लिए खड़ा है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या यहाँ नांदेसमा की और मांग, ये तो केपी भाई ने बताई, इन्होंने बताया, इनके अलावा आपको क्या लगता है कि नांदेसमा में ये कुछ कमी है? जो हमारा हमारे गांव का विकास करेगा हम उनके साथ में, हमारे गांव का नोरा मोट, मतलब हमारे बागल में कुछ हुआ भी नहीं है। कौन सी बागल? ब्राह्मणों की बागल। आपका चालू दो सर, हमारे नांदेसमा ब्राह्मणों के लिए टांके बने, पानी की टांके बने, इसमें क्या कहाँ से पानी भरेंगे बताओ मेरे को। प्रताप जी कहते हम पानी देते हैं, पानी देकर टंकी बना दी, वो भी लीकेज है। अच्छा, वो देख लो आप, हाँ वो टंकी देख लो आप। ये टंकी कब बनी? ये नई बनी है, नई बनी है पूरी, लगभग इसको साल पर हो गया, एक साल पहले। हाँ बराबर है। हाँ अब ये बागल वालों को हम नल देंगे, कहाँ से देंगे, पैसा करके दोगे क्या दोगे? मैं तो बोलता हूँ, मुँह पे बोलता हूँ, जैसा की बता रहे हैं दोनों पार्टियों के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि पीछे जो टंकी बनाई गई है वो टंकी अभी नई है, शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसमें लीकेज है और पानी इसमें ठहरता नहीं, तो लोगों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, ये बड़ा इश्यू है। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, सर हमारे नांदेसमा गांव जो है थोड़ा सा अंदर आया हुआ है, यहाँ के युवा सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ रिको इंडस्ट्री के लिए पहले गहलोत सरकार ने 5 साल से प्रोविंस पकड़ा रखी है कि हम रिको इंडस्ट्रीड एरिया हमने यहाँ खोलेंगे, और हमने जगह भी निर्धारित कर लिए और सारा मानस भी बना लिया, सारे युवा यहाँ बेरोजगार है। ऐसी कोई कंपनी आवे, ऐसा कोई प्लांट आवे हमारे नांदेसमा एरिया में तो सारे युवा रोजगार लगे, ये गुजारिश है हमारे को। बिल्कुल यहाँ पर नहीं कोई एसटी बस आती है सर, यहाँ रोडवेज बस यहाँ नहीं है, आवागमन थोड़ा सा अंदर है होने के हिसाब से। जी अब मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूंगा। हाँ आप युवा है बताए। जो हमारे यहाँ पे पहले वो रोडवेज बस आती थी वो भी बीच में चालू की, वापिस बंद कर दी, और पानी की समस्या है, ये रोड के गड्ढे वगैरह देख लो, आप इधर से आए हो तो रोड कम है और गड्ढे ज्यादा है, तो हमारे को बहुत समस्या होती है। सड़कों की बात है, रोडवेज की बात है, पेयजल की बात है, वही सामाजिक नहरों की बात है जो यहाँ के लोग कर रहे हैं मांग, पर सभी अपनी बातों में गोली की बात कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि पॉपीज दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं लॉलीपॉप दे रहे हैं। गोलियां खूब खाते हैं आप? हाँ सर, गोली चॉकलेट बहुत देते हैं, बहुत अब आदत हो गई है, आदत हो गई है। और फिर भी और भी गोली खा लेंगे, लेकिन वोट देंगे। मीठा खाने की ज्यादा आदत है, सबसे ज्यादा वोटर यहाँ ब्राह्मणों के है, उसके बाद सुधारों के मोलक है, दोनों जगह से बीजेपी थंपिंग प्लस होती है, लेकिन दोनों ही जगह काम नहीं हुए, जहाँ से कांग्रेस प्लस है वहाँ सबसे ज्यादा काम। जी नेता लोग सब वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं और 5 साल तक फिर मुंह नहीं देखते दिखाते उनका। तो अभी नहीं दिखाया वो? अभी तक तो नहीं, कोई नहीं दिखा था। अरे आइए आइए आइए, आपका गांव कौन सा है? ब्राह्मणों की बागल। ब्राह्मणों की बागल, और वहाँ पे आपके विधायक नहीं आए? नहीं आए 5 साल में। हाँ तो आपने कब देखा, आखिरी बार कब देखा उनको? वो ये रैली निकाली तब देखे। कौन सी रैली? जीते है ना। अच्छा तब आए। तो जीत के समय पिछली बार 2018 में जब विधायक प्रताप गमेती यहाँ से जीते और फिर यहाँ जो रैली निकाली तब ब्राह्मणों की बागल में इन बाबूजी ने उनको देखा, उसके बाद में वो कभी आए नहीं। लेकिन देखना क्या है, क्या देखना उनको? देखने की बात नहीं है हमारा, तो कुछ ये होना मांगता है ना, काम होना मांगता है। अभी क्या काम मांगता है? अब देखो हमारे वहाँ तो पानी नहीं है, कुछ नहीं है, रोड टूटा हुआ है, तालाब पूरा गया, ये रोड भी बेकार है, हम चल नहीं सकते। मैं यहाँ पास सुभाष गांव से आता हूँ, वहाँ पे पाइपलाइन बिछा के रखी है, नल
नल की पाइपलाइन बिछा के रखी है, टंकी बना के रखी है, ना कोई मोटर लगाई है, ना कोई अभी पाइपलाइन मोटर की लगाई है, ना कुछ भी नहीं है। 5 साल से यही बात हो रही है। तो आपको मालूम है इसमें कितना पैसा खर्च हुआ? ये नहीं पता है। किसी को पता है क्या इस टंकी में और इस पाइपलाइन में कितना पैसा खर्च हुआ है? नहीं पता। रोड लाइट हमारे गाँव में है नहीं, किसी चीज की सुविधा है। सब पढ़े लिखे भी है यहाँ पर, पता करना चाहिए कि आखिर आप ही की मेहनत का जो ये पैसा है, कितना पैसा यहाँ पर आया और कितना पैसा यहाँ पर लगा। 1.5 करोड़ रुपया ये लगा और पानी की बूंद अभी तक किसी के घर पर नहीं पहुंची है। कनेक्शन भी नहीं हुआ अभी तक नल का। हाँ, कनेक्शन हो भी जाएगा तो आएगा क्या? पानी है? कहाँ पानी है? पानी नहीं है इस टंकी में। पानी कहाँ से जाएगा? पता नहीं अब कहाँ से वो ट्यूबवेल है। और लाइट की सबसे भारी समस्या है, आगे जैसे सोमवार को शटडाउन लिया गवर्नमेंट ने, तो मंगलवार को भी वापस लाइटें नहीं रहती है। मतलब एक दिन मरमंद में चलो ठीक है बंद करवा दी, मंगलवार को भी नहीं, वापस बुधवार को देखोगे आधे दिन बंद, गुरुवार को देखोगे आधा दिन 3 पेज बंद। किसी का रोजगार टूट रहा है, किसी की खेती टूट रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। किसानों को रात को लाइट देते हैं, रात को कौन जाएगा? नेताजी जाते कभी किसानों के खेती में रात को करने के लिए? किसान रात को देते हैं, रात को जाना, अभी ठंडी कितनी पड़ती है। तो बिल्कुल बिजली की यहाँ पर समस्या है और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क जो कि मूलभूत सुविधाओं में आते हैं, तो यहाँ पर अभी मूलभूत सुविधाओं से ही लोग वंचित है। और बरसों से कितने विधायक बने, कितने नेता बने, लेकिन कोई भी जो है अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। गोगुंदा तहसील का और सायरा पंचायत समिति में अगर सायरा को छोड़ दिया जाए तो उससे सबसे बड़ा गांव नांदेसमा है, लेकिन विकास की अगर बात करें पैसे बहुत सारे लगे, जैसे टिनसेट बनाए हैं, सीसी रोड बनाए, प्रताप जी ने, पुष्कर जी ने बहुत सारा काम करवाया, ऐसी बात नहीं है नहीं करवाया। लेकिन जो लोग बिना बोले जो काम है वो तो उन्होंने बहुत सारे करवा दिए, लेकिन जो बोल के गए वो काम नहीं करवाए। तो आप बिना बोले तो करोड़ों रुपए का काम नांदेसमा में करवा रहे हो, और जो बोल के गए छोटे से काम 5-5 लाख रुपए के वो आप नहीं करवा रहे हो, तो लोग फिर क्या सोचेंगे? क्योंकि आपने हजारों लोगों के सामने बोला है हम ये 5 लाख का काम करवा देंगे, वो नहीं करवाया, और बिना बोले 50 लाख का काम करवा दिया, तो वो अब कौन करवा रहा है? लोगों को क्या पता? लोगों को तो वो याद है जो बोला है, जो बोला वही नहीं करवाया। काम में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन कमी उनकी एक ही है, जो घोषणा करके जाते हैं वो भूल जाते हैं, बाकी बिना बोले बहुत सारे काम कर देते हैं। दूसरी चीज, हम कार्यकर्ता काम करते हैं तो हमारे को काम नहीं देते हैं, अपोजिशन वाली पार्टियों को काम देते, ताकि फिर तो वोट ही उनसे ही मांगे, हमारे से क्यों अपेक्षा करते? तो दर्द ये है कि एक तो काम वाला है और दूसरा ये है कि पूछा नहीं जाता है। मेहनत तो आप करते हैं लेकिन समय पर आपको याद नहीं किया। बिल्कुल सर, हम ब्राह्मणों को तो वैसे नहीं पूछा जाता है। ब्राह्मणों के भी विधानसभा के अंदर 22,000 वोट लगभग है, लेकिन हम क्या है ब्राह्मणों का, जैसे इन सारे नेता कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ब्राह्मणों का जैसे नाम आता है किसी नेता के सामने, उनको फट से वो गरीब दलित एकदम वो गरीब सा सुदा में याद आ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ब्राह्मण परशुराम भी ब्राह्मण था, रावण भी ब्राह्मण था, और राजनीतिक का करता धरता चाणक्य ब्राह्मण था। और हम परशुराम, रावण और चाणक्य बनने में बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, सारी पार्टियों को बचीड़ देंगे। केपी भाई, तुम संघर्ष करो, इस बार हम तुम्हारे साथ हैं। केपी भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, आज जो ये केपी भाई ने जो अपने युवा टोली को साथ लिया है, गाँव के लोगों को साथ लिया है, ये बस यही बताने का एक प्रयास है कि इस बार हम बचीड़ देंगे। बिल्कुल बचीड़ देंगे। धन्यवाद। तो ये थे कैलाश पालीवाल, इन्होंने बताया, टीम ने बताया, यहाँ के कामों के बारे में बताया, और इनके जो नेता है उनसे इनकी नाराजगी के बारे में भी बताया। चुनावी चर्चा में फिलहाल इतना ही, हम बढ़ रहे हैं आगे, बने रहिए डेली राजस्थान के साथ।